नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवर की चर्बी और मछली के तेल के मिलावट के विवाद के बीच मंदिर ने पंचगव्य से शुद्धिकरण अनुष्ठान किया। 11 विशेषज्ञों की मौजूदगी में महाशक्ति यज्ञ आयोजित हुआ। साथ ही दोषियों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है कि आतंकवाद बंद होना चाहिए। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर पाकिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगाया और कहा कि कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं कर सकती है। भारत ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है, जबकि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर 160 किलोमीटर चौड़ा प्राचीन क्रेटर खोजा है। ये क्रेटर साउथ पोल एटकीन बेसिन से पहले का है, जिससे चांद के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। टाटा संस को जीएसटी डिपार्टमेंट ने 1500 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड खत्म कर दी है, जो डोकोमो के साथ सेटलमेंट डील से जुड़ी थी। हालांकि जीएसटी डिपार्टमेंट हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। टाटा ने पेमेंट के लिए जीएसटी देनदारी को चुनौती दी थी। गायक कैलाश खेर ने पहली बार अपनी शादी और बेटे कबीर के बारे में बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ये स्वीकार किया कि वे पत्नी शीतल से अलग हो चुके हैं। पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि वे अकेले होते हुए भी लोगों से जुड़े हुए हैं। अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मिजोरम के वन और राजस्व विभागों के बीच अंतर विभागीय विवाद पर कहा है कि राज्य को अदालती कार्यवाही में एकल वादी के रूप में कार्य करना चाहिए। कोर्ट ने हाई कोर्ट को 3 महीने में निर्णय देने का निर्देश दिया, ताकि विकास परियोजनाएं प्रभावित ना हो। ऋषभ पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक बनाकर 2 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की है। उन्होंने कहा कि वो नर्वस थे, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करने की आग थी। भारत ने मैच 280 रनों से जीता। अब दूसरा टेस्ट कानपुर में खेला जाएगा। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। उनकी वापसी फरवरी 2025 तक टल गई है। सुनीता को ISS का कमांडर बनाया गया है। नासा उनकी सुरक्षित वापसी के लिए SpaceX क्रू ड्रैगन भेजने की योजना बना रहा है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बधिर लोगों को भाषाई पहचान और सांस्कृतिक विविधता को समर्थन देना है। इस साल की थीम साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स है। नुपुर संस्था ने बधिर जन के लिए निःशुल्क इंटरप्रेटर सुविधा उपलब्ध करवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात कर गाजा की मानवीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की और क्षेत्र में शांति की बहाली के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की है। मोदी ने भारत अमेरिकी समुदाय को संबोधित किया और वैश्विक नेताओं से बातचीत की। सोमवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 7609.3 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 6976.3 रुपए प्रति ग्राम रही है। दोनों में 10 रुपए की गिरावट आई है। चांदी की कीमत 96,000 रुपए प्रति किलोग्राम है, जो 100 रुपए कम है। विभिन्न शहरों में सोने की कीमतें बढ़ी हैं। जीवित पुत्री का व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं निर्जला उपवास रखकर जीमूत वाहन महाराज की पूजा करती हैं। इस वर्ष ये व्रत 25 अक्टूबर 2024 को होगा और पारण सूर्योदय के बाद किया जाएगा। भारत की आधिकारिक एंट्री ऑस्कर 2025 के लिए किरण राव की फिल्म लापता लेडीज घोषित की गई है। ये कॉमेडी ड्रामा दो महिलाओं की कहानी है जो शादी के बाद लापता हो जाती हैं। फिल्म ने अन्य 5 फिल्मों को पीछे छोड़कर ये सफलता हासिल की है। पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायटू आज 39 साल के हो गए हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में डेब्यू किया था, लेकिन गुस्से के कारण उनकी करियर में रुकावट आई। रायटू ने 55 वनडे में 3 शतक और 10 अर्धशतक बनाए और 2019 में संन्यास ले लिया। भारत और फ्रांस के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक रक्षा साझेदारी होने जा रही है, जिसमें न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और अंडर वाटर ड्रोन शामिल है। NSA अजीत डोभाल पेरिस में मैक्रों के साथ चर्चा करेंगे, जिससे भारत की सैन्य ताकत और बढ़ेगी, खासकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के अश्लील वीडियो डाउनलोड करना और रखना अपराध है। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए कोर्ट ने सुझाव दिया कि पॉक्सो एक्ट में बदलाव किया जाए, जुर्माना और सजा का प्रावधान भी है। DRDO ने रिसर्च एसोसिएट और जूनियर रिसर्च फेलो के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है।
वॉक इन इंटरव्यू 14 से 15 अक्टूबर को दिल्ली में होंगे। योग्यताएं और दस्तावेजों के साथ सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना होगा। यहां कुल 7 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित है। अनुरा कुमारा दिसा नायके ने सोमवार को श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने उन्हें अर्थव्यवस्था सुधारने और भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी मिली है। शुरुआती बयान में उन्होंने भारत के साथ सहयोग की बात की। उन्होंने कहा कि उनका देश किसी भी तरह के भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता में नहीं उलझेगा। इसके साथ ही वो अपने देश को दूसरे किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस बयान को अनुरा की तरफ से भारत को आश्वस्त करने के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करना है। शीर्ष 500 कंपनियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा और युवा आवेदन के बाद चयनित होंगे। आयु सीमा 21 से 24 वर्ष है। एप्पल के आईफोन 16 सीरीज विशेषकर प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स भारतीय बाजार में शानदार प्रतिक्रियां प्राप्त कर रही हैं। आकर्षक फाइनेंसिंग, नए फीचर्स और टीयर 2 से 3 शहरों में बढ़ती मांग ने बिक्री को बढ़ावा दिया है, जिससे एप्पल के प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत स्थिति बनी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने सस्ते फ्लैट्स के लिए 24 से 26 सितंबर को ई नीलामी आयोजित करने की घोषणा की है। योजना में 173 फ्लैट्स शामिल हैं, जिनकी कीमत 11.5 लाख रुपए से कम है। ग्राहकों को भुगतान के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। श्रीलंकाई नौसेना ने 37 तमिलनाडु मछुआरों को गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा। उन्होंने मछुआरों की रिहाई और कानूनी सहायता की मांग की, साथ ही श्रीलंकाई सरकार पर दबाव डालने का अनुरोध किया। बजाज समूह ने भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़कर वित्तीय क्षेत्र का तीसरा सबसे मूल्यवान समूह बन गया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में तेजी से वृद्धि ने समूह का बाजार पूंजीकरण 10.36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाया है, जो बैंकों के लिए एक मजबूत प्रतिस्पर्धा बन रहा है। ऋषिकेश में 23 सितंबर से गंगा में रिवर राफ्टिंग शुरू हो गई है, जो बरसात के कारण 30 जून से बंद थी। पर्यटक ब्रह्मपुरी और मरीन ड्राइव से राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। विभिन्न राज्यों से लोग यहां साहसिक गतिविधियों के लिए पहुंच रहे हैं। भारतीय ग्राहकों में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज बढ़ रहा है। ओला रोडस्टर 2.5 kWh वेरिएंट के साथ 200 किलोमीटर रेंज और रेवो RV 100 किलोमीटर रेंज के साथ किफायती विकल्प बन रहे हैं। इनकी कीमत क्रमशः 74,999 रुपये और 84,990 रुपये है। नासा ने 24 सितंबर को धरती के करीब 2 एस्टेरॉयड 2020 GE और 2024 RO-11 की चेतावनी दी है। ये एस्टेरॉयड 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेंगे। हालांकि टकराने की संभावना नहीं है, लेकिन कंपन महसूस हो सकता है। विशेषज्ञों ने खतरे पर नजर रखने की आवश्यकता जताई। पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डेविड वार्नर की वायरल तस्वीरें पुष्पा 2 के लिए नहीं बल्कि साउथ एक्टर नितिन की फिल्म रॉबिन हुड में कैमियो की है। पुष्पा के प्रति उनके फैंस की दीवानगी जानी जाती है, लेकिन वे उस फिल्म में शामिल नहीं होंगे। श्रीलंका ने नए राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके को भारी विदेशी कर्ज, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और खाद्यान्न संकट जैसी 4 बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक रूप से उन्हें भारत और चीन के साथ संतुलन बनाना होगा, जबकि जनता बदलाव की उम्मीद कर रही है। मुंबई में रिंग रोड परियोजना के तहत 8 रिंग रोड का निर्माण होगा, जिससे यातायात सुगम होगा। 2029 तक 58,517 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होने वाले इस परियोजना का लक्ष्य यात्रा समय को 60 मिनट में इससे कम करना है। प्रमुख सड़कों के साथ मिलकर ये योजना शहर के चारों हिस्सों को जोड़कर ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करेगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर पीठ ने दुष्कर्म के मामले में समझौते के आधार पर प्राथमिकी रद्द करने से इनकार किया है। अदालत ने कहा है कि महिलाओं के पवित्र वजूद की रक्षा हर हाल में जरूरी है। आरोपी ने याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायमूर्ति प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि कानूनी प्रावधान जघन्य अपराधों में समझौते के आधार पर दोष मुक्त करने की अनुमति नहीं देते हैं। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कॉमेंट किया था उनके नाम है रंजीत मिश्रा, नुन्नू गोलू कुमार, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, विजेंद्र पांडे, वीरेंद्र सिंह, मोहम्मद साकिर हुसैन, रामबाबू दास, अर्जुन बाबू, बाबूलाल मरांडी, नौसाद रजा, रामनाथ झा, सैम खान। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके घर में बच्चे कितनी देर अपना समय मोबाइल पर बिताते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।